एवरीवन, एजीएम द्वारा जनहित में जाने में आप सबका स्वागत है कि आज मैं episode-3 में बोलने जा रहा हूँ। अभी आ ही से लेके हड़प छंद तक देखे थे हम, व्यंजन से देखे और ओवल्स इंग्लिश में कहते हैं, और उसके बाद स्वर और व्यंजन देखे, कॉन्सोनेंट्स देखे। तो अभी कका की बारी है, तो हम यहाँ पे पहले हम स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले कका की बता रहा हूँ, उसके बाद हम शुरू से नेक्स्ट कका की से हड़ छंद तक हम लिखेंगे और पढ़ेंगे। तो अभी क का की कू कू क्रू के कई को कौ कम कहा। अभी हिंदी में क का की कू कू क्रू के, यहाँ पे के और एक मिसिंग है हिंदी में, ये निकाला गया है, तो ये के डायरेक्टली कई आएगा, को और एक को निकाला है यहाँ पे, नहीं है यहाँ पे हिंदी में, तो कौ कम कहा। तो इंग्लिश में हम सब लिख सकते हैं, क का की कू कू क्रू के कई को कौ कम कहा। अभी ये सारे अक्षर जब हम पहले अ आई अम हा तक लिखे थे उसको स्वर बोलते थे, तो क के सामने अभी क प्लस अ इस क और क प्लस आ इस का, क प्लस ई इस की, तो क प्लस बड़ा ई की, क प्लस उ इस कू, क प्लस उ इस कू, क प्लस रू इज क्रू, क प्लस ए इज के, क प्लस ए इज के, क प्लस आई इज कई, क प्लस ओ इज को, क प्लस ओ इज को, क प्लस ओ इज कौ। हो गया। तो यहाँ पे हम आई जो स्वर है तो क के सामने जैसे लगते हैं वैसे ही हमारा उच्चार भी वैसे ही हो जाता है। को कौ तक हो गया, और ये क प्लस अम कम और क प्लस आह कहा, सो इस तरह के रहेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, क के पास ए ऐड कर रहे हैं, क के पास आ ई उ रू रू ए आई ओ औ अम आहा, हम इतना ऐड कर रहे हैं। तो क का किकी ऐसा बना है दोस्तों, तो ऐसे ही ख का किकी आएगा। आपको इंग्लिश में लिखने के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ के बाजू में एच लगाना है, ये सब सेम ही रहेंगे, के एच ए ख के एच डबल ए ख के एच आई खी के एच डबल ई खी के एच यू कू के एच डबल ओ खू, ऐसा सिर्फ आप एच एक्स्ट्रा लगाएंगे तो आपको ख का होगा। तो इंग्लिश आप जल्दी सीख सकते हैं, लेकिन कन्नड़ और हिंदी अलग अक्षर आएंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा इजी होगा इंग्लिश लिखने के लिए। और उच्चार तो सभी लैंग्वेज में सेम ही रहेगा। अगर मेरा नाम अंबादास है तो हिंदी में भी मैं अंबादास ही रहूंगा, इंग्लिश में भी अंबादास ही रहूंगा, और हिंदी में भी अंबादास ही रहूंगा, कन्नड़ में भी अंबादासी रहूंगा। तो कौन सा भी लैंग्वेज में मेरा नाम चेंज नहीं होगा, ऐसे ही आई और क का के की सब लैंग्वेज में सेम ही रहेगा, लेकिन उसका अक्षर अलग रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये episode-3 था, तो हम नेक्स्ट एपिसोड में सब क का की से छज्ञा तक हम लिखेंगे और पढ़ेंगे। तो एजीएम द्वारा जनहित में जाने में आप आज इतना ही। तो आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। तो एजीएम द्वारा जनहित में जाने में आज इतना ही। नमस्कार।